albatross. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोगों। दोस्तों आज मैं जिनके अड्डे पे आया हूँ उनका नाम है शुएब भाई। शुएब भाई वही शुएब भाई हैं जो रफ़न उस्ताद के बेटे हैं, और जो रफ़न उस्ताद जी हैं वो पूरे बरेली मांझा इंडस्ट्री में सबसे पुराने कारीगर में से एक हैं, जो अब मांझा नहीं बनाते हैं। उनके जो बेटे हैं, जिनके दो बेटे हैं, जो बड़े वाले बेटे का नाम शुएब भाई है और छोटे वाले बेटे का नाम उवैस भाई। ये मेरा मांझा लग रहा है, उसी ब्लैक रंग की डोरी लगाते हैं शुएब भाई, दो क्वालिटी की डोर लगाते हैं। अभी मैं शुएब भाई से ही बात करूँगा इस बारे में। ये देखिए मेरी डोर देखिए लग रही है, वो देखिए कारीगर इनके डोर लपेट रहे हैं। और आइए मैं दोस्तों शुएब भाई से मैं बात करता हूँ। शुएब भाई आपका स्वागत है। पहले ये शुएब भाई, शुएब भाई आप कौन कौन से क्वालिटी का मांझा लगाते हैं? दो क्वालिटी का मांझा होता है, एक AMD है, एक USR है। हाँ, इसमें जो USR है वो बेस्ट क्वालिटी है, क्वालिटी दोनों अच्छी है, वो थोड़ी इससे बेस्ट है। अच्छा, शीशा मटेरियल वगैरह अच्छा लगा हुआ है। और दोनों मांझे में अगर बात करें तो मतलब दोनों मांझा मतलब किस किस पेज के लिए यूज होता है, मतलब अगर करना चाहे तो? नहीं, दोनों चाहे छोटे में लड़ाएं चाहे लंबे में लड़ाएं, इंशाल्लाह दोनों में रिजल्ट आएगा। और मेरे जैसे कितने सब्सक्राइबर हमसे पूछा था कि शुएब भाई से, हमने बोला कि शुएब भाई से 1-2-3 और या 80-70 ये डोर पे लगाते हैं 6 तार पे। उन्होंने काफ़ी लोग डिमांड किया कि मुझे अगर शुएब भाई मेरे लिए C28 वगैरह लगा दे या पांडा डोर लगा दे, तो रिक्वेस्ट किसी की लगा सकते नहीं पांडा या C28 वगैरह? ऑर्डर लगती है क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर है जो चेन्नई वगैरह के, कलकत्ता वगैरह, हमसे काफ़ी बोले कि शुएब भाई से बात कीजिए अगर मेरा हो सके C28 या पांडा वगैरह डोर लगवाने के लिए बात करें तो। जी, ऑर्डर पर लगती है, ऑर्डर लगती है। और कुछ शुएब भाई अगर आपकी डोर के बारे में कुछ अगर बात बताना चाहते हैं, कुछ खासियत बताना चाहते हैं इस डोर के बारे में, ये जो मेरे लिए लगाए हैं डोर, ये आपकी डोर माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है, ये बारीक डोर है, दूर में लड़ाइए, थोड़ा रख के लड़ाइए, अच्छी लड़ेगी, बढ़िया लड़ेगी। दोस्तों ये मेरी डोर देखिए, दोस्तों मेरा करीब इनसे 2 महीने से मेरा करीब ऑर्डर था। दोस्तों आज मैं खुद बरेली आया उनसे डोर लेने। अगर शुएब भाई जैसे किसी को डोर अगर आपसे 2 या 3 चरखी अगर आपसे डोर लगवा रहा है, अगर उसको जैसे हो सकता तो कोरियर वगैरह कर देंगे, अगर आ ना पाए तो कोरियर वगैरह सब हो जाएगा ना? कोलकाता का भी करे हैं कोरियर, और अगरतला का करा है, उत्तराखंड के भी करे हैं, कोरियर हो जाता है। दोस्तों ये वही शुएब भाई जो रफ़न उस्ताद हमारे हैं उन्हीं के बेटे ही हैं, और रफ़न उस्ताद को लोग जान ही लेंगे कि बरेली मांझा इंडस्ट्री में सबसे बड़े उस्ताद में से शुमार रहे हैं, तो उन्हीं के बेटे हैं। और डोर की खासियत तो पता ही होगी, जो उनकी डोर यूज़ किया होगा खुद पता होगी। और दोस्तों ये इनके छोटे भाई हैं जिनका नाम उवैस भाई है। ये देखिए डोर को दोस्तों छू के चेक कर रहे हैं डोर। दोस्तों ये देखिए, जब देखिए दोस्तों 1-2-3 लगी डोर है, ये सब जो टूर्नामेंट में लड़ेगी दोस्तों, ये सब डोर है, ये सब दोस्तों डोर देखिए। देखिए बारीक डोर के साथ दोस्तों मुलायमियत से धार दिया गया दोस्तों में। ये देखिए डोर, दोस्तों डोर देखिए, दोस्तों देखिए शुएब भाई मसाला बना रहे हैं इस समय। शुएब भाई ये चावल की मार है ना, ये जो वाइट रखा है चावल है, मार नहीं है, चावल है ये। और ये खड़िया पर है, पत्थर है ये। हाँ ये बोल रहा हूँ। और ये साथ आपने कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया है क्या, जो आपने वाइट और उनको शाम ये देखिए कलर मिल रहा है, मटेरियल है। अच्छा ये मटेरियल देखिए मांझा। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, शुएब भाई ऐसे आप लोग मांझा बनवाए सिर्फ वो ब्लैक कलर का ही मांझा बनाते हैं, सिर्फ ब्लैक, और अब कोई कलर हम मैक्सिमम वही बनाते हैं, कोई और कलर की फरमाइश ना ही करें, सिर्फ वो ब्लैक कलर लगाते हैं उनका, वही मतलब एक निशान है मतलब ब्लैक कलर। और ये देखिए चरखी रखी इसी में लगेगा, और ये रहा शुएब भाई का अड्डा। देखिए चावल की मार को रहा था शुएब भाई, ये भी आप ही का ना? जी। देखिए दोस्तों ये धागा भी जो सुबह सुबह आया है, देखिए दोस्तों ये धागा तना है, इस पर मंझा लगने जा रहा है। ये देखिए शुएब भाई के अड्डे पे, ये देखिए धागा तना हुआ है बल्ली पे, सूखने जा रहे हैं। हाँ भाई सूखने जा रहे हैं, देखिए पहली को चढ़ाए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों पहले को ताकत से ही रहती है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक सुनते कि पहली कोट में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, सारे कोटों में ताकत लगाना पड़ता है। अच्छा देखिए दोस्तों कैसे मसाला फंस रहा है, देखिए सूखते होंगे।
ये देखिए, देखिए कितने ताकत से सूच रहा है। हाँ जा, बहुत अच्छा मांझा लगाते हैं सुबह भाई। मेरा उनसे चार्जर ही लगा हुआ है कल का। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये बस टॉप वाला ब्लॉक लगा रहे हैं जी। जी टॉप वाला जो USR नाम से आता है जी। जी देखिए दोस्तों, आप ही लोग ने कहा था कि वीडियो लाइए शुएब भाई का। देखिए वीडियो आ चुका है, कुछ दिन में अपलोड भी हो जाएगा वीडियो मेरे चैनल पे। देखिए दोस्तों, भाई उससे मिले लीजिएगा रहमान भाई। जी रहे हैं। अब से भाई यहाँ से लेकर वहाँ तक ले जाएंगे तब एक कोट पूरा हो जाएगा कि एक कोट पूरा हो गया है। वहाँ से यहाँ वहाँ जाऊँगा, वहाँ से इधर आऊँगा। ये मतलब आधा कोट हुआ है, सिंगल होगा, सिंगल है मतलब हुआ है। वहाँ तक ले जाएंगे तो फिर वहाँ जाऊँगा, वहाँ से इधर आऊँगा, सिंगल होगा खाली। अच्छा, तीन कोट में ही सिंगल कोट? सिंगल कोट तीन बार दौड़ेंगे, सिंगल कोट मानते हैं बाद में होगा। ओह बनाइए भाई। देखिए देखिए दोस्तों कैसे जा रहा है। अब ये सब भाई सिंह क्या हुआ, ये अभी सिंगल हो रहा है अभी, हुआ नहीं। अच्छा वहाँ तक ले जाएंगे तब सिंगल होगा। तीन में सिंगल होता है मतलब, तीन कोर्ट में सिंगल कोर्ट। आगे सुनिए देखिए दोस्तों, लोग बहुत लोग पूछते हैं कि सिंगल कोट डबल कोट कहते हैं, तीन कोट बार चलते हैं तब इनका सिंगल कोट एक होता है। ये देखिए दोस्तों, ये सिंगल हुआ है। अब देखिए ये दोस्तों सिंगल हुआ, देखिए आपके सामने, इसको बोलते हैं सिंगल कोट। इसको डबल लगेगा फिर डबल लगेगा, चार कोट पांच कोट छह कोट करते हैं अपने हिसाब से, जब तक मांझा में फिनिशिंग ना आ जाए, उस हिसाब का मांझा बन जाए ना। जी जी, देखिए दोस्तों, देखिए मांझा को चेक कर रहे हैं। कुछ चेक करने का तरीका भी होता है आप लोग कुछ की दिया, मतलब अब इतना हो गया मतलब कुछ कैसे, जैसे देखना पड़ता है जैसे सही आ रहा है नहीं। अच्छा फिनिशिंग सही आ रही है इसमें वो है दोस्तों, सिंगल कोट में मांझा इतना जबरदस्त हो गया है, क्या बताऊँ, धार दे मुलायमियत से। ओएस भाई को कवर कर लूँ, ओएस भाई को जाकर। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ ओएस भाई को कवर करने, जो शुएब भाई के छोटे भाई हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ये देखिए मांझा लगा रहे हैं, देखिए ओएस भाई। ये देखिए ओएस भाई के पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम ओएस भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत जी, क्या कर रहे हैं आप? जी मैं डोर खिंचा रहा हूँ। अच्छा, डोर जो है ढीली है। अच्छा, इसलिए थोड़ा टाइट कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस पर मसाला कब चढ़ा रहे हैं आप? अभी बस डोर खिंचा के मैं जो है खींचना शुरू हो जाए। अभी कितना टाइम लगेगा डोर को ये करने में आपको? मुश्किल से 7-8 मिनट। ये दोस्तों 1-2-3 सब डोर तनी हुई है, और ये भी आपका USR वाला ब्लॉक बन रहा है, सबसे टॉप वाला ब्लॉक। जी जी दोस्तों, ये शुएब भाई के छोटे वाले भाई रहे हैं। आप पतंग भी बनाते हैं ना उवैस भाई? जी जी, शौकीनों के लिए ना स्टार्टिंग की अभी मतलब। जी जी, उवैस भाई हैं जो शुएब भाई के छोटे भाई हैं, ये पतंग भी बनाते हैं, स्टार्टिंग किए हैं। देखिए उवैस भाई रहे हैं। दोस्तों मेरा सजेशन, दोस्तों आप डोर ये जरूर लें। और शुएब भाई एक बार अपना नंबर बता सकते हैं जो आपसे कांटेक्ट कर सकें? जी मेरा नंबर है 9897989230। दोस्तों ये नंबर इन्होंने बताया है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, और जो वीडियो चलेगा उसमें मैं लिख दूंगा, नोट कर दूंगा। दोस्तों आप इनकी डोर जरूर दोस्तों जरूर ट्राई कीजिए, बेस्ट रिजल्ट दोस्तों मिलेंगे इनकी डोर से, एक बार ट्राई जरूर कीजिए दोस्तों। मैं दोस्तों वीडियो बंद करता हूँ, थैंक यू दोस्तों। देखिए दोस्तों इनका अड्डा है, हम लोग डोर लगभग बन ही चुकी है। ये रहे शुएब भाई, ठीक है दोस्तों मैं वीडियो बंद करता हूँ।